वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर था सेकंड, जिसका क्या टॉपिक था, द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसके पार्ट 2 का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम उसका कर रहे हैं पार्ट 6, यानी कि हमारा जो चैप्टर है ओवरऑल चैप्टर 2 का हम पार्ट 6 कर रहे हैं, और जो हमारा पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, उसका पार्ट हम कर रहे हैं 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा है हम उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब को जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता था उस टाइम पे, क्या था उसका नाम, वो उसे हम क्या उधर बैन कर रखा था। तो उसे जब वहां बैन कर रखा था तो हमने देखा था एक बार्बर था, रॉयल फैमिली का एक बार्बर था। उसने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना मैं इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से इम्प्रूव करूं। उसने किया और इसका नाम क्या पड़ा था, शहनाई इसका नाम पड़ गया था। इसके बाद से हमने देखा था कि इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तब हमने देखा था कि जो टेम्पल्स होते हैं और जो वेडिंग्स होती है मंदिरों में, शादियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमने देखा था ये कौन सी शादियों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टूडेंट्स। हमने देखा था ये जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स है उनका बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट जिसे हम बोलते हैं। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है जिसके बिना हर कोई काम नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाह खान के बारे में। क्या जाना था हमने उनके बारे में, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से क्या है नवाजा गया है। क्यों, क्योंकि वह जो शहनाई प्लेयर है उन्होंने जो भारत को है एक क्लासिकल स्टेज दिया है, किसके लिए, शहनाई प्ले करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में, बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमें पता चला था कि जब वो 3 साल के थे तब से ही वो क्या कर रहे हैं, वो शहनाई सीख रहे हैं। फिर हमने कुछ प्लेसेस का नाम पढ़ा था, बालाजी मैया और एक और टेम्पल था जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पे हमने क्या क्वेश्चन भी दिए थे आपको, ये रहे जो दो हमने देखे थे प्लेसेस थी, बालाजी एंड मंगला मैया एंड दी बैंक ऑफ गंगा। फिर हमने देखा था इसके बाद कि जो फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा थे वो कैसे उनकी मदद करते थे, राइट, टू इनहेंस इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स, इस पे शहनाई पे। इसके बाद हमने देखा था कि उन्हें अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी बहुत ज्यादा तारीफ मिली थी, ओके स्टूडेंट्स, उस्ताद फैयज से। इसके बाद हमने क्या देखा था 1938 में जो लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्टार्टिंग हुई थी उसमें वह क्या करते थे, वो शहनाई प्ले करते थे। इसके बाद हमने सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सा देखा था इनकी लाइफ का, जब हमें भारत को आजादी मिली थी 1947 में, उन्होंने क्या किया था, जो भारतवासी है उनको किससे पहले ग्रीट किया था, उन्होंने अपनी शहनाई का राग काफी बजा करके सबको ग्रीट किया था। और उनके ऑडियंसेस में कौन कौन थे स्टूडेंट्स, उनके ऑडियंस में जवाहरलाल नेहरू और कौन थे, महात्मा गांधी भी थे, जिसके बाद क्या स्पीच हुई थी जवाहरलाल नेहरू की जिसे हमने क्या बोला था, क्राइस्ट विद डेस्टिनी। इतना तो हमने पढ़ा था, अब इसके आगे हम वापस शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे आज हमारा जो 8th पैरा है उससे, बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हमें बता रहे हैं बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और भारत के बाहर भी, अब्रॉड यानी कि इंटरनेशनल जो स्टेट्स होते हैं भारत के बाहर के उनके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हिज फर्स्ट स्टेप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, वेयर वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप इन अब्रॉड। अब अब्रॉड की जो पहली ट्रिप है उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। अब कौन सी, हमने तो देखा उन्होंने बहुत सारी की है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं जो पहली ट्रिप थी वो कहाँ थी, अफगानिस्तान थी। एंड वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अब यहाँ हमें बता रहे हैं अफगानिस्तान में वो गया था अपनी ट्रिप करने, वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माएस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवनियर्स। अब हमें बता रहे हैं जो अफगानिस्तान का किंग था कौन था, किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन, मतलब वो उनकी जो शहनाई बजाने की कला है उससे इतना प्रभावित हुआ था, उन्होंने उसको क्या गिफ्ट किए थे, पर्शियन जो कारपेट्स थे जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे उसे वह गिफ्ट किए। और जो दूसरी अलग चीजें सोविनियर्स क्या होती है, सोविनियर्स कुछ ऐसी चीजें होती है जो किसी इंसान की
या किसी इवेंट की ऐसे यादगार के तौर पे दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोवनीर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था व्हाट द किंग जाहिर शाह गेव द माइस्ट्रो, उनको क्या मिला था, द प्राइजेस, पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सोवनीर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड बाय बिस्मिल्लाह म्यूजिक। हम बता रहे सिर्फ जो किंग था वहां का अफगानिस्तान का, वो एक ही इंसान नहीं था जो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था। और देखते हैं हम फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। अब यहाँ बता रहे हैं एक फिल्म डायरेक्टर के बारे में। अब फिल्म डायरेक्टर का नाम क्या बताया है हमें, फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट है वो बहुत ज्यादा उनसे इम्प्रेस हो गए थे, बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगा था उनकी शहनाई का जो कला है। वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज की शहनाई। अब इधर हमें बता रहे हैं जो विजय भट्ट थे वो क्या थे, फिल्म डायरेक्टर थे, वो फिल्म बनाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं वो इतने प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की कला से, उन्होंने क्या किया कि उनकी एक जो मूवी थी, फिल्म बनाई थी उन्होंने, उन्होंने उसका नाम क्या, उस इंस्ट्रूमेंट यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, शहनाई के पीछे उसका नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई, यहाँ पे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इधर क्वेश्चन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, विच मूवी या विच फिल्म वॉज नेम्ड After named और किसने की थी उसके बारे में भी लिखेंगे, named after बिस्मिल्लाह skill of शहनाई। अब जो बिस्मिल्लाह जी थे उनकी शहनाई की जो skills थी, शहनाई बजाने की, उसके पीछे किस फिल्म का नाम रखा गया था, हमने देखा जो विजय भट्ट थे उन्होंने अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई का नाम उसके पीछे रखा। नेक्स्ट हम देखते हैं द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन। अब यहाँ बता रहे हैं जो फिल्म थी वो बहुत ही हिट हुई, कुछ हमने देखा है कुछ फिल्में चल जाती अच्छी, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चली एंड उसमें क्या किया, वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन। अब इसका क्या मतलब है, एक ऐसी शहनाई और म्यूजिक जो उन्होंने प्ले किया था बिस्मिल्लाह खान में, उसको देखते हैं दिल का खिलौना है टूट गया। अब ये जो कंपोजिशन था ये किसका था, बिस्मिल्लाह खान का, ये उस मूवी में आया था, टर्नड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब यार चार्ट बस्टर का क्या मतलब है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, दैट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स। अब यहाँ बता रहे जो उस मूवी में गाना था या गाने का नाम दिया गया है हमको, वह बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, राइट स्टूडेंट्स, दैट वाज अ नेशन वाइड, पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ वो, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। अब हम यहाँ देख रहे हैं सेल्यूलॉइड वर्ल्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, जो ओल्ड फैशन वे था, राइट, ओल्ड फैशन वे था किस चीज का, मूवीज बनने का। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करी जा रही है, पुरानी फिल्म इंडस्ट्री। इसके बाद उनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली थी उस गाने के बाद, इसके बाद भी क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, विजय भट्ट गूंज उठी एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादी अपना। अब यहाँ बता रहे इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद भी उनके जो क्या थे, बिस्मिल्लाह खान के जो गाने थे वो सिर्फ दो ही फिल्मों में, कौन सी, एक तो हमने विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई देखी और दूसरी कन्नड़ मूवी थी, किसकी, विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ सनादी अपना। अब यहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि हम हर पैराग्राफ से क्वेश्चंस बना रहे, क्यों, बिकॉज इससे हम पूरा पार्ट जो है अच्छे से याद कर पाएंगे। विच फिल्म्स इंक्लूडेड, कौन सी फिल्म्स थी, मतलब इंक्लूडेड मतलब कौन सी फिल्म में इनको डाला गया था, विच फिल्म्स इंक्लूडेड बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। अब हमें ये इन दोनों, एक जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो मूवी है जिसको, जो किसने बनाई थी, हमने देखा था जो कि विजय भट्ट ने गूंज उठी शहनाई बनाई थी उसमें, और नेक्स्ट जो कन्नड़ मूवी थी विक्रम श्रीनिवास की जिसका नाम क्या था, सनादी अपना, उसमें डाली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। हमें यहाँ बता रहे हैं बिस्मिल्लाह खान का क्या बोलना था कि जो फिल्म वर्ल्ड है, जो ये फिल्म की दुनिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें क्या है, सब फेक है, आर्टिफिशियलिटी मतलब हर चीज दिखावे की है, कुछ अंदर से होता है कुछ और है, बाहर कुछ और दिखता है। तो
तो मैं बस इसके साथ नहीं काम कर सकता या मैं इन सब चीजों के साथ नो आई कैन नॉट कम टू टर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मतलब एक तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और बहुत सारी फेम भी मिली, वो बहुत ही जल्दी आई उनके पास क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टीजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द USA। अब हमें बता रहे हैं बिस्मिल्ला खान पहले ऐसे भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड कहाँ पे, जो लिंकन सेंटर हॉल था USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें वहां बजाने के लिए, प्ले करने के लिए बुलाया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्टेरियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। अब वो बता रहे उन्होंने कहाँ कहाँ पार्ट लिया था, तो कहाँ लिया था, एक तो हमारा केन्स आर्ट फेस्टिवल था और एक जो ओसाका ट्रेड फेयर था, एक वो हमने देखा था कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्टेरियल था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या क्वेश्चन फॉर्म हुआ, उनके जो अचीवमेंट्स थे उसके अंदर हमें ये भी डालना, हमने कल ये क्वेश्चन देखा था अचीवमेंट्स ऑफ बिस्मिल्ला खान। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, कहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्ला खान। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पे क्या है स्टूडेंट्स, विच ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम क्या होता है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ऑडिटोरियम ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं। विच ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्ला खान, अब हमें इसका बताना है कौन सा था और क्या क्या अचीवमेंट्स है, ये भी उसी में ही आ जाएगा। विच ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्ला खान, तो हमने देखा कौन सा, इतने वो इतने फेमस हो गए थे इंटरनेशनली कि उनके पीछे जो तेहरान का ऑडिटोरियम है उसका नाम रखा गया। व्हाट वाज द नेम, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान ऑडिटोरियम, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसके और भी ज्यादा अचीवमेंट्स के बात कर रहे हैं, ये चैप्टर पूरा किस पे बेस्ड है, बिस्मिल्ला खान ने जो जो अपनी जिंदगी में जो गोल्स थे सेट किए कैसे पाए। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, हमने पहले देखा भारत रत्न मिला था उनको, आगे देखते हैं हम कौन से अवार्ड्स थे, पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण आर वर कन्फर्ड ऑन हिम, इन सब चीजों के लिए ही वॉज गिवन दिस अवार्ड, राइट स्टूडेंट्स। ये सारे जो अवार्ड है उनको मिले थे, हमने अभी तक चार अवार्ड्स और बाकी इंटरनेशनल उनका जो फेम है उसके बारे में पढ़ा। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, कौन सा था, दी भारत रत्न, यही हम वापस बात हो गई इसकी, हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी इसकी बात की थी, वापस बात हो गई, विद दी कोवेटेड अवार्ड, कोवेटेड मतलब बहुत ज्यादा डिजायर्ड, सब चाहते थे कि वो उनको मिले, विद दी कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटरिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। अब हमें बता रहे जब उनको मिला था ये अवार्ड तब उन्होंने इसे अपने सीने से लगा के एक चीज ही बोली थी, अब उनकी आंखें देख रहे हैं आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, मतलब वो बहुत खुश थे इतने कि उनकी आंखों से झलक रहा था, वो बोल रहे थे कि मेरे को ऑल आई हैव टू डू, जो भी मुझे करना है वो क्या है, मुझे तुम्हारे बच्चों को क्या म्यूजिक सिखाना है, यह क्या है, ये भारत का हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिशन है, और इधर लिखा हुआ इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अ म्यूजिक। अब इसका क्या मतलब है, वेस्ट मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है, बाहर की जो कंट्री है वो भी क्या इधर आकर के हमारा जो म्यूजिक है उसके बारे में सीख रही है, तो मुझे अपने हिंदुस्तान के बच्चों को भी ये सिखाना है। नेक्स्ट वी सी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, व्हाट ऑल अवार्ड्स वो प्रेजेंटेड, अब हम विन या वन का यूज नहीं करेंगे, जीतने का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उनको ये हम मिले हैं अपने काम के लिए, उन्होंने जीते नहीं है। व्हाट ऑल अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें क्या बताना है इसमें, उस्ताद बिस्मिल्ला खान को कौन कौन से मिले थे, हमने क्या देखा था पद्म भूषण पद्म विभूषण, नेक्स्ट हमने कौन कौन से देखे थे, भारत रत्न देखा था, पद्मश्री देखा था, राइट। नेक्स्ट वी सी हमारा जो 12th पैराग्राफ है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड खान साहब इज फॉन्डली कॉल्ड
is exceedingly fond of Banaras and Dumrau and they remain for him the most beautiful towns of the world. अब यहाँ बता रहे हैं जो खान साहब किसे बोला गया है, इधर उस्ताद बिस्मिल्ला खान को, जो खान साहब है वो पूरी पूरा जो देश है वो देश भी है, पूरी दुनिया के बहुत अलग अलग भाग क्या ट्रैवल कर चुके घूम चुके हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ऐसे दो ही टाउन मुझे लगते हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे हैं। कौन से? एक तो बनारस और एक डुमराव। डुमराव हमने देखा था कि वो उसमें पले बड़े थे, राइट। और बनारस में हमने क्या देखा था, उसके कौन रहते थे, मामा रहते थे, अली बख्श रहते थे, और वहां पर पे क्या इन्होंने वहां से शहनाई सीखना शुरू किया था, राइट स्टूडेंट्स। हमने देखा था विष्णु टेम्पल में ये जाते थे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, दे रिमेन हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। अब यहाँ बता रहे हैं उनका एक जो था क्या था, विद्यार्थी था, उनका एक विद्यार्थी क्या चाह रहा था कि एक शहनाई स्कूल कहाँ चलाया जाए, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलाया जाए, और कौन हेड करे, कौन सिखाए वहां पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेंपल रोड। यहाँ बता रहे हैं स्टूडेंट ने और क्या क्या बोला। स्टूडेंट ने बोला कि मुझे यहाँ पे एक स्कूल खोलना शहनाई का जो कि आप हेड करे। नेक्स्ट चीज क्या बोली थी, नेक्स्ट चीज इसने हमें बोली थी यहाँ पे कि अगर आप आएंगे तो मैं उस बिल्डिंग का एनवायरनमेंट, उस जगह का एनवायरनमेंट, मतलब आसपास का जो है वो ऐसा बना दूंगा जैसा बनारस है, ऐसे दिखाऊंगा मैं उसको। कैसे? रेप्लिकेटिंग मतलब वैसे ही मंदिर और आसपास मंदिरों की जो है एक हम बोलते हैं फेक इमेज क्रिएट करना, वैसा मैं नकली मंदिर और बना दूंगा आपका, कॉपी कर दूंगा उसकी, और यहाँ पे बनारस जैसा माहौल बना दूंगा, बस आप आपके यहाँ पे यूएसए में शहनाई बजाना सिखाओ। फिर हम देखते हैं क्या हुआ, नेक्स्ट हम देखते हैं, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। अब यहाँ हम देख रहे हैं बनारस तो आ जाएगा, पर खान साहब बोल रहे हैं क्या तुम मेरी जो यहाँ गंगा है उसको भी ला सकते हो क्या, तुम हर चीज रेप्लीकेट कर लोगे, हर चीज सेम बना लोगे, पर गंगा का क्या करोगे, वो कैसे आएगी यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। अब वो बोल रहा है बस इसी वजह से मैं क्या कभी भी बाहर के किसी कंट्री में होता हूँ, बाहर के किसी देश में होता ना, तो इसी वजह से मुझे इतनी ज्यादा याद आती है किधर की, हिंदुस्तान की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। अब ये बोलते हैं जब मैं मुंबई में रह रहा था मैं सिर्फ बनारस और गंगा के बारे में सोचता था, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव। अब यह बोल रहे हैं कि जब मैं बनारस में था तो जो मठा है कहाँ का, डुमराव का, मैं बस उसे मिस करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? एक इनसे रिपोर्टर ने ये भी सवाल पूछा था, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तब तुमने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची, जिस पे बिस्मिल्ला खान बोलते हैं गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर। बोल रहे मैं बनारस कभी नहीं छोड़ सकता, भगवान माफ करे मुझे, I went to Pakistan once, I crossed border just to say I have been to Pakistan। मैं पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस किया हूँ एक बार, क्यों, क्योंकि मैं चाहता था कि सबको ये पता चले कि मैं पाकिस्तान तो जाके आया हूँ। I was there for about an hour, एक घंटे रुका था मैं वहां पे। I said नमस्कार to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians। तो अब ये बता रहे हैं पाकिस्तान साइड के लोगों को तो इन्होंने क्या नमस्कार से ग्रीट किया, और जो मुस्लिम लोग हैं उनको इससे कैसे ग्रीट किया, सलाम अलैकुम से। अब यहाँ बता रहे हैं I had a good laugh, ऐसे हरकतें करके वो काफी हंसे और वापस आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ बता रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान की जो जिंदगी है वो किस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्या चीज अच्छे से बताता है जो कल्चर है इंडिया का, हमारे इंडिया का जो कल्चर है उसमें बहुत ही अच्छी है वो लाइफ। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो ये हम बता रहे हैं ही इज वॉट, ही इज अ मुस्लिम। अब एंड में हमें क्या बताया गया है, उनका जो कास्ट है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ही इज मुस्लिम, लेकिन वो इंडिया में रह के क्या करते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति इंडिया में रह करके शहनाई बजा रहा है बहुत ही अच्छे से बिना ज्यादा अपने दिखावा किए, कहाँ पर पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है, इससे हमें बताया जा रहा है इवन आफ्टर बीइंग
वॉट इवन आफ्टर बीइंग मुस्लिम वो कहाँ अपनी शहनाई प्ले करते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल पे। तो इसका क्या मतलब हुआ? He doesn't care about Hindu Muslim. What he thought about was only he is Indian, या फिर जो अपने आप को वो बोलते थे हिंदुस्तानी जो वो बोलते थे। अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि even after being living over here in India, he considered himself as Hindustani and that is we see here his life was rich cultural heritage of India. Example था perfect of rich cultural heritage. Okay students. नेक्स्ट हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ मोंगी। क्यों बैन किया था? बिकॉज ऑफ किस वजह से? बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट साउंड। अब क्यों बैन किया था? औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ मोंगी बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट साउंड, राइट? Now we see how is शहनाई different from a पुंगी। Students हमने इसका आंसर देखा था, शहनाई और उसकी पुंगी की इमेज देखी थी। हमने देखा था कैसे शहनाई को बनाया गया था, बार्बर ने बनाया था, तो हमको उसका डिस्क्रिप्शन देना बताना है। हमारे जो फर्स्ट सेकेंड पेज पे है इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे उसने बनाया, फर्स्ट पेज पे सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में इसके बारे में है। Why was the शहनाई played traditionally? यहाँ बता रहे हैं where was the शहनाई played traditionally? इन दी रॉयल कोर्ट। इन कहाँ पे? रॉयल कोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस। बिस्मिल्ला खान ने क्या किया था? क्लासिकल स्टेज पे पहुंचाया था इसको, इन रॉयल कोर्ट टेम्पल्स और कहाँ बजती थी ये? वेडिंग्स में, राइट स्टूडेंट? बिस्मिल्ला खान ने इसको नेशनल रिकॉग्निशन दिलाया था। वेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट इज बिग ब्रेक? इन 1938 में, बाय एडवेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। जब ऑल इंडिया रेडियो आया था तब उनको क्या बहुत ही बिग ब्रेक मिला था, ये हमने देखा था। वेयर डिड बिस्मिल्ला खान प्ले शहनाई ऑन 15 अगस्त? कहाँ पे? रेड फोर्ट पे। वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? इंडिया गॉट फ्रीडम दैट डे। इंडिया अटेन फ्रीडम दैट डे, यानी कि इंडिया को आजादी मिली थी दैट डे, उस दिन इंडिया को आजादी मिली थी, राइट? इसीलिए वो हिस्टोरिक इवेंट है, मतलब इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Why did बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन USA? क्यों रिफ्यूज किया था? ही वॉन्टेड, क्या चाहिए था उनको? ही वॉन्टेड वॉट? ही वॉन्टेड द गंगा एंड बनारस एनवायरमेंट, उनको उस वातावरण में ही रहना था, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड एटलीस्ट टू इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट व्हिच टेल यू दैट बिस्मिल्ला खान लव्स इंडिया एंड बनारस। ऐसे कोई भी दो हमको इंस्टेंस, दो वाक्य बताने हैं जिससे हमें पता चले कि वो इतना प्यार करते हैं इंडिया और बनारस से। तो हमने बहुत सारे देखे। पहले तो हमने ये देखा कि जब वो बच्चे थे वो वहां डुमराव में खेलते खेलते का गाना जो भोजपुरी चहता है वह टेम्पल में गाते थे, पहला तो ये है। सेकंड ये है जब उन्होंने अपने स्टूडेंट को यूएसए में आकर के क्या शहनाई बजाना सिखाना मना किया। इवन आफ्टर रोमिंग द होल वर्ल्ड ही सेड उनको बनारस ही पसंद है। और जो हमारा तीसरा इंस्टेंस है, हमने देखा जो रिपोर्टर उनसे पूछे थे कि जब पार्टीशन हुआ था तो क्या आपने जाने की नहीं सोची वहां पर पे पाकिस्तान, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था? मैं बनारस नहीं छोड़ सकता, नो नेवर। तो हमने ये देखा। इसके नेक्स्ट हम ये देख लेंगे दूसरा इंस्टेंस, दूसरा वाक्य, जब वो अपना ध्यान में बैठते थे सॉल्टिट्यूड में बैठ के गाना लिखते थे, तब हमने देखा था उनको फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा की जरूरत पड़ती थी, और बालाजी टेम्पल और एक और टेम्पल हमने देखा था, तो उसके बारे में मंगला मैया, उसके बारे में हम ऐसे इंस्टेंसेस लिख सकते हैं। एटलीस्ट टू लिखा है हमने, बहुत सारे ढूंढे। अब इनको क्या करना है? इनको करना है आपको अपने वर्ड्स में, ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये सब आपको क्या करने हैं, ये सारे आपको अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी चेक। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।